जनकपुर नगर पंचायत में मकान व दुकान के मुआवजे की मांग को लेकर जनता धरने पर बैठ गई। जनपद फिरोजाबाद की नगर पंचायत मक्खनपुर में मक्खनपुर चौराहे से लेकर बैंक तक रोड चौड़ीकरण में लोगों के घर व मकानों की जगह चली जाने पर क्षेत्रीय जनता मुआवजे को लेकर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी। लोगों का कहना है कि सरकार तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन कुछ अधिकारी जो अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं, उन्हीं अधिकारियों में से हमारे मक्खनपुर में ईओ अमर बहादुर और सभासद रामू ठाकुर व चेयरमैन प्रतिनिधि दिलीप राजपूत को मिली भगत से हमारे घरों और मकानों को दबंगई तरीके से तोड़ा गया है। हमें इतना भयभीत कर दिया गया है कहीं ना जा सकें, और हमारी यही मांग है कि हमारे घर और मकान जो तोड़े गए उनका मुआवजा हमें दिया जाए और हम अपना घर और व्यापार बना सकें। अरविंद कुमार, फिरोजाबाद, समाचार 24। मैं अमित कुमार की वाइफ हूँ। दीदी जी, ये आपके यहाँ की रोडों की क्या समस्या है? यहाँ पे ये बिना किसी मतलब के तोड़े जा रहे हैं और इलीगल तरीके से तोड़े जा रहे हैं सारे मकान, और इसके लिए किसी ने ना मुआवजे के लिए कोई बात करता है ना कुछ किसी के लिए बात करता है। सभी के मकान वगैरह तोड़ दिए गए और दुकानें तोड़ दी गई हैं। आपको इलीगल इनमें क्या क्या लग रहा है? इलीगल ये लग रहा है जब जमीन हम अपनी तरफ से तुम तोड़वा रहे हो, जबरदस्ती तोड़ रहे हो उसको, और फिर हम ये कह रहे हैं इतनी नहीं तोड़ो, इतनी आप तोड़ो, फिर भी बार बार तोड़ खंगे हो तुम। किसी के मकान है, बच्चे छोटी छोटी, कहाँ जाएंगे बच्चे सबके? किसी ने शिकायत नहीं की आपने? अरे हमने तो डीएम साहब को भी शिकायत की, सबको शिकायत की, लेकिन हमारी कोई सुनता ही नहीं है। ठीक, कहाँ बैठी हो आप? हम ये मक्खनपुर प्रज्ञा नगर में बैठे हुए हैं। कितने दिन से बैठी हो? कब से बैठी है? ये हम करीबन 4 घंटे हो गए यहाँ बैठे बैठे। अच्छा, क्यों बैठी है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि यहाँ पर ना सरकार आई, ना कोई उसका कर्मचारी आया, ना ईओ आया, ना चेयरमैन आया। अचानक शाम को 8 बजे रात से बिल्डोजर चलाना चालू कर दिया, सबके मकान तोड़ के बराबर कर दिए थे, इसलिए हम बैठे हुए। रोज की रोज ऐलान करवाता है कि बंटीगर चौराहे से और बैंक चौराहे तक नालों का निर्माण है, कृपया अपनी जगह खाली कर दीजिए, नहीं जबरन तोड़वा दीजिए। क्या पहले से नोटिस आपको दिए गए थे? नहीं, कोई नोटिस नहीं है। डायरेक्ट से आपने उन्होंने आगे तोड़ दिया? एक नोटिस आता है। आप धरने पे क्यों बैठे हो, क्या क्या चाहते हैं? मकान तो टूट गए हैं, क्या चाहते हैं हम? दरवाजे हैं नहीं है, हम तो मुआवजा चाहते हैं जो अपनी झोपड़ियां दोबारा तैयार कर लोग। प्रधान कहते हैं मुझसे, ये क्या मामला है? ये मामला साहब, मेरी गरीब जनता यहाँ पर सही सलामत रह रही थी, तो इन्होंने ईओ ने और नगर पंचायत के अधिकारियों ने और हमारा चेयरमैन प्रतिनिधि जिसका नाम है दिलीप कुमार राजपूत, उसने हमारे मक्खनपुर को रात के समय बिना नोटिस दिए बिल्डोजर चलवा दिया। सब लोग, जनता भयभीत हो गई थी, और उसके बाद में इन्होंने हमारी कोई भी नेक भी बात नहीं सुनी, और पुलिस बल द्वारा हम सब लोगों को इतना दहशत में कर दिया कि हमारे सब लोग रोते विलपते अपने घर मकानों में अंदर घुस गए, फिर भी बिल्डोजर चल जाता, और हम यहाँ से कहीं भी नहीं भाग पाए। इन्होंने ये भी कहा था आप अगर कहीं शिकायत करोगे तो हम पुलिस द्वारा तुमको जबरन घर से उठा लिया जाएगा। और हमारी सरकार इतना बढ़िया काम करती है, मगर ये कहते हैं, मगर क्या करें, ये 4 गुंडे हमारे मक्खनपुर को बर्बाद कर चुके। हमारा रोजी रोजगार चल जाता, हमारा छोटा सा एक बाजार था जहाँ 15 फुट की रास्ता थी, कहीं 20 फुट की थी, आना जाना अच्छे तरीके से था, गरीब गुरबा जैसे भी अपना पेट पालन कर जाता। आज उनका पूरा बाजार खत्म हो गया, ये चूड़ी का बाजार फेमस था। उसके बाद में हम लोग सरकार को बहुत अच्छी तरीके जानते हैं, सरकार तो अपना काम करती है, मगर ये सारे चंद गुंडे काम नहीं करते होंगे। ये चंद गुंडे कौन से हैं? चंद गुंडे एक रामू ठाकुर है, ये यो अविश्वासी अभिनंता जिसका नाम है अमर बहादुर सिंह, और ये चेयरमैन है गीता देवी, उसका पति दिलीप कुमार राजपूत, और बाकी नगर पंचायत के कुछ कर्मचारी जो हम लोगों को इतना भयभीत कर चुके हैं, बाकी पुलिस बल द्वारा अपना पूरा टारगेट रखते हुए हम लोगों को सबको परेशान करते हैं। आज दिन रात कभी बिल्डोजर यहाँ खड़ा कर देते हैं, कभी उसका मकान भेज देते हैं, रात में तो रात में, दिन में भी हमारा जीना आराम कर दिया है। और हमको किसी को भी एक पैसे भर की रत्ती भर नहीं दिया, टट्टी पेशाब के लिए सब लोग परेशान हैं। और मामला ये है सर कि मेरी यहाँ पर एक जमीन है जिसको रात का नाला बनाकर तोड़ दिया गया, मुझे ये तक भी नहीं पता चला कि कब तोड़ी गई, जिसके कारण हमारे यहाँ के लगभग 300 से ज़्यादा मकान तोड़े गए हैं, जिनमें ये गरीब जनता बहुत ही ज़्यादा परेशान है। इनको बहुत प्रकार से परेशानी हो रही है, पानी से भी हो रही है, लैट्रिन से भी हो रही है, और इनका जो व्यवसाय था, जो अपनी छोटी मोटी दुकानों को खोलकर यहाँ बैठे थे, इससे भी परेशान है। हमारे यहाँ के जो कर्मचारी हैं
नगर पंचायत अभिशासी जो ईओ साहब है उनका नाम नहीं मैं जानता हूँ, उन्होंने जनता को गुमराह किया। पहले बोला कि यहाँ नाली बनाएंगे, नाली बनाने के बाद फिर कोई भी किसी भी प्रकार का ऐसा कोई नोटिस नहीं आया जिससे कि कोई राज्य सरकार या किसी अधिकारी बड़े अधिकारी का कोई ऐसा नोटिस नहीं आया जिससे कि हम अपनी जमीनों को तोड़े, हमारे पास कोई लिखित हो। लेकिन इन लोगों ने जनता को भयभीत करके, जनता को डरा कर, गुमराह करके, ये सीधे साधी जनता है, ये बेचारी अशिक्षित है, पढ़ी लिखी नहीं है, और ये बेचारे बहमे आकर इनके ऊपर बिल्डोजर चलाए, इन मकानों को तोड़े गए, और ये बेचारे बिलकलाते थे, रोते रहे, आज भी ये रो रहे हैं, अपने मुआवजे के लिए यहाँ पर बैठे हैं कि जो हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, मकान नहीं है, हम कहाँ पर सोए, कहाँ पर बैठे, कहाँ जाए। भूख से बिलकती हुई जनता धरने पर बैठी हुई है कि हमें कुछ नहीं बताया गया, हमारे साथ छल हुआ है, धोखा हुआ है, हमें कुछ ना दिया जाए, लेकिन हमें हमारे घर के लिए पैसा दिया जाए, मुआवजा दिया जाए, या इसके अलावा हमें कहीं जमीन दी जाए। किन्हीं किन्हीं पर तो ऐसे मकान है जिनके पास कोई जमीन ही नहीं है। इसके अलावा सिर्फ इसी मकान में कोई 500 फुट में, कोई 100 फुट में अपने परिवार का बसर कर रहे हैं, अपनी मजदूरी कर रहे हैं। यहाँ की जनता है वो बहुत ही ज्यादा गरीब है। मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि हमारे देश की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हमारे कुछ प्रशासनिक अधिकारी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। अब धरने पर कब तक बैठे रहेंगे? मैं धरने पर जब तक बैठा रहूंगा जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, हमें मुआवजा नहीं दिया जाएगा, और मैं अपने लिए नहीं बाकी की सभी जनता का हित चाहता हूं, उसके साथ ही मेरा हित है, उसके साथ ही मेरा भला है।